मेरे ख्याल से कल कितनी है दो प्रकार की बिक्रियाँ हुई थी ना कि तीन प्रकार की हो गई थी, तीन हो गई है। चलो हाँ, एक बार वो होगा एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, हाँ चलो तीन अभिक्रियाएं हो गई थी। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, चौथी अभिक्रिया पर चलते हैं जिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेंगे, और इसमें से लिखा गया था सोडियम एल्कोऑक्साइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सबसे पहले तो बेटा ये जरूर ध्यान रखो सोडियम एल्कोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा सोडियम एल्कोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ एन ए। देखो ऐसे भी इसको पढ़ते हैं, सोडियम एल्किल ग्रुप के कारण एल्क, ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड इसको कहते हैं। हाँ आर की जगह पर आप डिफरेंट टाइप के ग्रुप को यूज कर सकते हो। तो सोडियम एल्कोऑक्साइड से अगर आपको बनाकर तैयार करना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो मैं एक सोडियम एल्कोऑक्साइड ले लेता हूँ। देखो तो सोडियम एल्कोऑक्साइड में सबसे पहले आर की जगह पर यूज करूंगा सी एस थ्री, ध्यान देते रहना, और पहली अभिक्रिया पर ज्यादा जोर देंगे। इसके बाद उसी पैटर्न पर दूसरी और तीसरी अभिक्रिया होती है, इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो सी एस थ्री ओ एन ए, कोई पूछेगा नाम सर जी इसका क्या है, इसका नाम है सोडियम, बेटा कार्बन एक वाला एल्काइल ग्रुप है इसलिए मेथॉक्साइड। और सोडियम मेथॉक्साइड पर जानते हो सबसे पहला काम करवा देना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, आपको दाब उच्च रखना है और अभिक्रिया के ताप को भी बढ़ा देना है। अभिक्रिया के ताप बढ़ाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा यह पूरा का पूरा CO यहां बीच में सेट हो जाएगा आकर, देखो क्या बनेगा CH3। अगर CO बीच में सेट हो जाता है तो COONA। अब देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो इसमें से थोड़ा दिमाग हम लोग भी अपना भी यूज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, सी एस थ्री सी डबल ओ के बाद क्या आता है H, यही तो आता है। तो कुल मिला के हम ये सोच रहे हैं कि मुझे ये एन ए हटाना है और इसकी जगह पे H लाना है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको एन ए हटाना हो H लाना हो, मैं इसी अभिक्रिया का नहीं बता रहा हूँ, किसी भी अभिक्रिया में आपको लगे कि एन ए यहाँ से हट जाता बहुत अच्छा काम बनता, पोटेशियम यहाँ से हट जाता बहुत अच्छा काम बनता, कैल्शियम यहाँ से हट जाए और भी अच्छा रहेगा, मैग्नीशियम हट जाए बहुत अच्छा रहेगा, अर्थात आप किसी धातु को हटाने की कोशिश कर रहे हो और उसकी जगह पर हाइड्रोजन को लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस दौरान सबसे अच्छा पदार्थ होता है HCl। यह सबसे बेस्ट काम करता है। क्यों काम करता है, अगर इस पूरे अभिक्रिया को आप, वैसे तो मैं क्या बोल दूंगा सीधे कि NaCl से अभिक्रिया कर लेगा, अगर आप इस मेथड में भी थोड़ा सा कच्चे हैं, आपको लगता है ये वाला मेथड समझ में नहीं आया, तो बेटा जरा देखो सोडियम एसीटेट है ये, इसमें से सोडियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज और CH3COO पर होता है नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही HCl पर अगर हम लोग आएंगे और HCl पर अगर उसके भागों को अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, H पर प्लस और Cl पर माइनस, तो क्या कहते हो प्लस वाला भाग किससे अभिक्रिया कर लेगा, माइनस से, तो माइनस से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा सबसे पहले Na Cl, और दूसरा भाग मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचा CH3COO पर माइनस है इसलिए H प्लस से भी क्रिया करेगा CH3COOH। एक और अभिक्रिया यहां पर कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसका नाम लिखे कि कर लोगे काम हो जाएगा वैसे मेरे ख्याल से, इसका नाम लिख दें, इसका नाम है सोडियम, हां बिल्कुल सही बताया एसीटेट, एसीटिक अम्ल से बने एसीटेट और फॉर्मिक अम्ल से बने फॉर्मेट। हाँ एक और काम कर लेते हैं, मैंने इस बार सी एस थ्री की जगह पर यूज कर रखा है C2H5ONA। कहोगे सर ये अभिक्रिया कैसे करवाए, सेम पैटर्न पर चलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दाब और हम इसको थोड़ा सा गर्म भी करेंगे। यार सारी चीजें मैं पढ़ाई पढ़ा हूं लेकिन एक बात तो हमने पूछा ही नहीं, कल वाली अभिक्रिया आई है, आ गई ना कल वाली जो होमवर्क में दिया गया था, तो ठीक है। तो बेटा अभिक्रिया फिर से वही CO सेट हो जाएगा, इसके बीच में आकर बन जाएगा C2H5COONA।
फिर वही कंडीशन, मेटल को हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है, मेटल को हटाना हाइड्रोजन को लाना है, तो भैया अभिक्रिया करवा दीजिए HCl से। और बेटा HCl से करवाओगे, ध्यान से देखने वाली बात है, CH3COO पर निगेटिव चार्ज, सोडियम पर प्लस चार्ज, और इन पर भी अगर ब्रेक करेंगे H पर प्लस और Cl पर माइनस। Na रिएक्शन करेगा Cl से, NaCl, और मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास बचता है C2H5COOH, C2H5COO यहां से और H यहां से ले लिया। अच्छा, इस पर भी वेस्ट बहुत सारी अभिक्रियाओं को अब नहीं करेंगे, दो अभिक्रियाएं हो गई, रूल हम जान गए, नियम जान गए, आगे चलते हैं। एक और विधि है जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, देखो क्या कहता है, ईस्टर के जल अपघटन से, ईस्टर के जल अपघटन। क्या किसी बच्चे को भी ये बात तो पता नहीं है कि जल अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का जल में घुलकर एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाना कहलाता है जल अपघटन। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना, जल अपघटन का मतलब ही होता है, आपने किसी कोई कंपाउंड था आपके पास आपने क्या किया कि आपने उस कंपाउंड को घुला जल में, और जल में घुलने पर आपने देखा क्या कि कंपाउंड तो एक था, जल में घुलते ही ये एक से ज्यादा भागों में ब्रेक हो गया। आप तुरंत कह दीजिए भैया हमने पदार्थ का कौन सा अपघटन करा रखा है, जल अपघटन। देखते भी ईस्टर के अगर नॉर्मली, अच्छा मैं क्या सोचता हूं ज्यादातर यौगिकों के मैं पहले ही नॉर्मल फॉर्मूले लिख दूंगा यहां पर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल RCOOR-। कहोगे सर डैश क्यों कर दिया? बेटा ऐसा भी हो सकता है, अगर R में यहां CH3 लिखा है तो यहां भी CH3 हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है यहां CH3 हो तो यहां C2H5 हो। अगर यहां CH3 यहां C2H5 होगा तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग रहेंगे। अगर ग्रुप अलग रहेंगे तो पहचान करनी तो जरूरी होती है। अगर मैं दोनों जगह R लिख दूंगा, आप कहोगे सर दोनों जगह क्या सेम ग्रुप रहेंगे? नहीं, आप ग्रुप चेंज भी कर सकते हो। तो पहले मैं इसको अभिक्रिया करके तुमको इसी फॉर्मूले पे दिखा देता हूं, फिर इसके बाद नीचे अभिक्रियाएं करेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। देखो ईस्टर का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COOR-। बेटा अभिक्रिया करवाना है जल से, जल का सूत्र होता है HOH। हाँ, अगर अम्ल की एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही फिर तो बहुत अच्छा है। कभी सर जी एसिड क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। एसिड केवल जब इस दौरान अभिक्रिया होगी दोनों पदार्थों की, तो एसिड जो है वो अभिक्रिया की स्पीड को तेज करेगा केवल, अर्थात उत्प्रेरक है। अभिक्रिया करवाए देखो, अगर थोड़ा सा भी पुरानी अभिक्रियाओं से सीखे हो, चलो भैया ऊपर ध्यान से देखो, CH3COO वाले भाग पर कैसा चार्ज आता था? माइनस। तो इस बात तो अभी भी है, तो ये भी तो सोचो अगर R की जगह पे CH3 में लिख देता तो CH3COO भाग ये भी होता, और इस पूरे भाग पर कैसा आवेश आता? माइनस। और इस R डैश पर कैसा भाग आता? प्लस। अच्छा यार जल में भी तो ऐसा ही कर लेते हो, जल पर होता है H पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। अच्छा HOH जुड़ेगा क्या कहते हो? RCOO- के साथ कौन जुड़ेगा? एच। तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा RCOOH। मैं कहता हूं मेरे पास दूसरा पदार्थ क्या बनकर तैयार, तो R डैश पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, OH माइनस चार्ज के साथ जुड़ेगा, तो R सिंगल बॉन्ड OH। जानते ये जो पहला पदार्थ बना है, इस पहले पदार्थ को आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपके पास दूसरा पदार्थ बनकर तैयार हुआ है बेटा इसको आप कहते हैं एल्कोहल। ऐसा भी ध्यान रखिएगा, ईस्टर का जल अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एल्कोहल का भी निर्माण होकर मिलता है, या दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, एसिड और एल्कोहल दोनों इसी अभिक्रिया से। कभी कभी ऐसा पूछा गया है किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताओ, या किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताओ जिसके द्वारा हम अम्ल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को प्राप्त करते हो, तो ईस्टरों का जल अपघटन। तो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। हाँ, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन को देख लेते हैं, देखो कैसे।
मैंने क्या कर रखा है कि H R की जगह पे तो मैंने H ले लिया, सिंगल बॉन्ड C डबल O, R डैश का मतलब मैंने R डैश की जगह पे ले रखा है CH3, HCOOCH3। सभी जानते हैं इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम जल की अभिक्रिया करवाएंगे, या जल को H2O ना लिखो, HOH लिख लो। हाँ, एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, H प्लस और OH माइनस। अभिक्रिया कैसे होगी, CH3 प्लस चार्ज है तो ये OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3OH। आगे मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचकर तैयार होता है, तो H HCOO पर जुड़ जाएगा, HCOOH। इसको कौन सा एसिड कहते हो, फॉर्मिक एसिड, ये वही है फॉर्मिक, फार्मिका वाला। और ये है मेथेनॉल, मेथाइल एल्कोहल भी इसे कहते हैं। एक और अभिक्रिया को देखेंगे, यहां काफी डिमांड में रहती है। इस बार मैंने R की जगह पर CH3 यूज किया है, COO, और R डैश की जगह पर मैंने यूज किया है C2H5। इसका भी होगा जल अपघटन, और इस बार जल अपघटन कराते समय आप फिर से अम्ल रखोगे। अभिक्रिया होगी तो माइनस वाले भाग को प्लस वाला हिस्सा मिलेगा, और प्लस वाले भाग को माइनस वाला। तो पहला पदार्थ तो बन जाना चाहिए CH3COOH, और दूसरा भाग बन जाना चाहिए C2H5OH। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया को कंप्लीट करवाओगे बेटा। तो समझ पा रहे हो, नोट करो। अभी और भी विधियां हैं भैया कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की, उनको पढ़ लेते हैं। नोट हो गया, ठीक है। अब देखो अगली अभिक्रिया का नाम तो कोच अभिक्रिया है, अब यह अभिक्रिया तो उससे भी खतरनाक, नाम ही है इसका कोच। चलो भैया, तो इस कोच अभिक्रिया को निपटाते हैं यहीं। देखो कोच अभिक्रिया में से कैसे ध्यान रखना है, आपको लेना है सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक। तो मैंने एक डबल बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक को ले रखा है, इसका नाम है एथीन, एथिलीन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। मैं अभी के लिए इसको कह रहा हूं एथीन है ये। और एथीन पर जानते हो किसके अभिक्रिया करवानी है, एथीन पर अभिक्रिया करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड व जल की। अभिक्रिया का थोड़ा भी अच्छे ढंग से समझोगे बेटा, सारे दुख दर्द यहीं से खत्म हो जाएंगे अभिक्रिया के। लेकिन क्या है कि उसको पहली अभिक्रिया को ज्यादा ढंग से समझना पड़ेगा। देखो भैया, डबल बॉन्ड में से दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई, तो जो पाई बॉन्ड है वो तो कमजोर है। जैसे ही ये दोनों यहां अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो मैंने देखो उनमें से एक बॉन्ड तोड़ा, और बॉन्ड टूटने पर होगा क्या, एच मिलेगा इधर वाले ग्रुप को। क्योंकि सर जी एच इसको मिल गया तो बचा कौन, ध्यान से देखो सी ओ ओ और एक एच, क्या बच रहा है, सी डबल ओ एच बच रहा है क्या, तो भैया इसको दे दो, सी डबल ओ एच मिल जाएगा इसको। अगर इस ग्रुप की अभिक्रिया मैंने यहां करवाई तो यहां से एच तो मिलेगा इसको, और सी डबल ओ एच मिल जाएगा इधर वाले ग्रुप को। अगर सारा का सारा मेटेरियल सी डबल ओ एच को इसको यहां मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं देखता हूं कि मेरे पास बचता क्या है, तो सी एच टू में अगर ये एच जुड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा सी एच थ्री, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, यहां सी एच टू तो था ही, और सी एच टू के साथ सी डब्ल्यू एच भी तो लगा हुआ है भाई, इसी सी एच टू के साथ तो सी डब्ल्यू एच जुड़ा हुआ है, तो मैंने सी एच टू के साथ सी डब्ल्यू एच जोड़ दिया। तो इस प्रकार से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पा रहे हो समझ में। तो एक अभिक्रिया और देखो, क्या है ना कि पता लगा हम अभिक्रियाओं के ऊपर अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं के ऊपर अभिक्रियाएं लिख रहे हैं, और तुमको एक भी नहीं समझ में आ रहा कि अभिक्रिया में सर जी ये सारे के सारे अवयव लिख कहां रहे हैं। बाद में बदलता है, पता नहीं क्या किया इन्होंने। एक और अभिक्रिया लिखेंगे CH2, या इसको ऐसा कर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं प्रोपीन, लिख देते हैं नाम प्रोपीन। अभिक्रिया होगी CO प्लस H2O से, जानते हो अभिक्रिया में ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद
ये हमेशा ध्यान रखो। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, एक समस्या नहीं थी। क्या समस्या नहीं थी, आप चाहे जिस किनारे पर एच को जोड़ देते और चाहे जिस किनारे पर सी डब्ल्यू एच को जोड़ देते, आपके लिए दोनों ही सिरे बराबर थे। लेकिन जान तो यहां सिरे दोनों बराबर नहीं है। यहां सिरे बराबर इसलिए नहीं है, ये सी एच टू ग्रुप है और ये ग्रुप है सी एच। यहां दोनों ओर सी एच टू थे तो आपने कहा था दोनों ओर के ग्रुप सेम है, कहीं भी जोड़ सकते हैं हम। लेकिन यहां कहीं नहीं जोड़ सकते, इस बार कैसे जोड़ेंगे बेटा, जो यहां से एच निकलेगा वो इसको दे देंगे और जो बचता था सी डब्ल एच वो इनको दे देंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी ये भी बात आए कि सर जी ने ऐसा क्यों कर दिया, याद रखो इस बात को बेटा। सोचो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमेशा किनारे पर ही तो लगता है, तो ये बीच वाले में जोड़ भी तो नहीं सकते थे, बीच वाले में तो कभी ना जुड़ता, क्योंकि ऐसा कोई ऐसी नहीं होता कि बीच वाले में जुड़ जाए। तो इस सी डब्ल्यू एच को किनारे ही स्थान दो। अच्छा बचेगा क्या, देखते हो बचेगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल एच। जानते हो टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, चार, और चार को कहते हैं ब्यूटे नोइक एसिड। लेकिन जो मेरा मानना, उसका ऊपर वाले का नाम क्या है, प्रोपे। हाँ मैं क्या कह रहा था कि जो मेरा मानना है वो शायद ही ब्यूटेनोइक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया ना आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड पर अभिक्रिया जो आपसे ज्यादा डिमांड में करता है वह तो कार्बन एक वाली या कार्बन दो वाली, इसके आगे जाएगा तो तीन, और या फिर बेंजीन रिंग पर हो, बाकी इससे जबरदस्ती नहीं मांगता है बहुत सारी चीजों को, तो उनमें से काफी परेशान होने की कोई जरूरत है भी नहीं। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा ना परेशान हो। अगला नंबर है, कहता है एल्केनोइल हैलाइड से, क्योंकि सर ये एल्केनोइल हैलाइड क्या है भैया, एल्केनोइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड सी ओ एक्स। अच्छा R की जगह पे ग्रुप पहचानते हो, X की जगह पे ग्रुप पहचानते हो, तो ठीक है अभिक्रिया किया जाए फिर हम लोग। अगर हमारे पास R सिंगल बॉन्ड सी ओ एक्स है तो बेटा हम इसके अभिक्रिया करवा देंगे जल से, क्योंकि सर जल से अभिक्रिया का मतलब भैया एच ओ एच से अभिक्रिया होगी, अम्ल की प्रेजेंस में होगी, एच पर आएगा प्लस चार्ज, ओ एच पर आएगा माइनस। अब ध्यान रखना, क्योंकि सर क्या ध्यान रखेंगे बेटा, आर सी ओ और एक्स में एक्स की विद्युत ऋणात्मकता होती है ज्यादा, इसलिए एक्स पर आता है निगेटिव चार्ज और आर सी ओ पर आता है पॉजिटिव चार्ज। पूछेगा सर जी ये बात कैसे कह रहे हो, एक मिनट रुको, हमको एक आधी अभिक्रिया लिखने दो, हम बताते हैं इस बात को कि आखिर क्यों सी ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक्स पे निगेटिव चार्ज है क्यों। अब हम एक अभिक्रिया लिख लें पहले, क्या कहते हो, एक्स निगेटिव चार्ज को किससे जुड़ना चाहिए, एच से, तो क्या बन जाना चाहिए एच एक्स, ये एच एक्स तो चलो यहां लिख लेते हैं, प्लस आपके पास और क्या बचेगा, आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हुआ। देखो अब मैं इसकी जगह पे वैल्यू रख रहा हूं, मैंने लिख दिया आर, और सॉरी वैल्यू रखोगे तो लिखोगे आर की जगह पर सी एच थ्री सी ओ, और एक्स की जगह पर मैंने यूज कर लिया सी एल को, बी आर को, आई को, किसी को यूज कर लीजिए बेटा। अभिक्रिया होगी एच ओ एच से, फिर से वही आयंस में ब्रेक करने वाली बात याद रखो, सी ओ पर पॉजिटिव, सी एल पर निगेटिव, एच पर पॉजिटिव, ओ एच पर निगेटिव, ये दोनों भाग एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे एच सी एल, और दूसरा जो आपके पास बनकर तैयार होगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच। हाँ इस बात को भी तो पहचान कर ली जाए, आखिर इस सी ओ पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, सी एल पर निगेटिव चार्ज क्यों था, ध्यान रखो बेटा आर सी ओ सी एल का पूरा फॉर्मूला अगर देखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एल, अगर इस पूरे ग्रुप को देखो, देखो यही ग्रुप तो लिखा हुआ है, आर की जगह सी एस थ्री मैंने लिखा है, बाकी और कोई फर्क नहीं। क्या कहते हो, ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन और किसके बीच बना है, क्लोरीन, और कार्बन और क्लोरीन की जब विद्युत ऋणात्मकता को देखा जाता है
तो ये पाया जाता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसी है कार्बन के अपेक्षा ज्यादा। तो ये जो बॉन्ड होता है वो क्लोरीन की ओर क्या होता है खिसक जाता है, और जब क्लोरीन के ऊपर खिसक जाता है तो क्लोरीन पर आ जाता है आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आ जाता है आंशिक रूप से धनावेश। इसलिए क्लोरीन वाले भाग पर निगेटिव चार्ज दिखाते हैं, कार्बन वाले भाग पर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, बाकी अभिक्रिया का मेथड वही है जो आयनों का एक्सचेंज होकर दिखा रहे थे कि पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा, निगेटिव आयन करेगा पॉजिटिव आयन से अभिक्रिया, बाकी कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और इसको हटाते हैं पहले, तो शायद नीचे इतनी जगह ना मिल पाए तो यहां अभिक्रिया को देखो करते हैं इस जगह पर। एल्किल ट्राई हैलाइड, एल्किल ट्राई हैलाइड से। अब यार एल्किल ट्राई हैलाइड का मतलब क्या होता है, तो बेटा अगर बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो एल्किल का मतलब है एल्किल ग्रुप, और ट्राई का मतलब तीन बार, हैलाइड का मतलब हैलोजन एटम। एक सूत्र लिखे देखो देख जिसमें से एल्किल ट्राई हैलाइड होगा, समझना CH3C और इस पर तीन बार हैलाइड ग्रुप, याद आ रहा है पुरानी बात, तीन बार भाई एल्किल का मतलब एथाइल ग्रुप था, उसमें तीन बार भैया क्लोरीन लगा दिया और तीन बार क्लोरीन लगा दिया ट्राई हैलाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया हम लोगों को दो चीजों से करा देनी होती है, या तो आप अभिक्रिया करवाओ क्षार से या तो अभिक्रिया करवाइए जल से, दोनों ही सेम कैटेगरी पे काम करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्षार से अभिक्रिया करवा रहा हूं, और क्षार में भी है आप NaOH से भी करवा सकते हो और आप KOH से भी अभिक्रिया करवा सकते हो। बेटा जानते हो क्या होने वाला है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी गया है क्या होने वाला है, ये जो तीनों Cl हैं ये अभिक्रिया किससे करने वाले हैं Na से, तो इस ब्रैकेट वाले हिस्से को बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं। NaCl कितनी बार आया है, तीन बार, बेटा इसको यहां लिख लेते हैं, अगर अवयवों में छोटा सा लिखा हो NaCl तो बेटा डरना मत, उससे जगह हमें और भी खर्च करनी उधर आगे। अच्छा क्या कहते हो तीनों Cl की जगह खाली है क्या, क्या लगा दिए जाए, तीनों OH लगा दिए जाए, तो मेरे पास बचता क्या है CH3 के बाद C और उस पर लगे हुए तीन OH, देखो हम एक चीज यहां लिख रहे हैं, हाँ कुछ लोगों ने तो पहले ही बता दिया कि अनस्टेबल लिख देना है, अनस्टेबल होगा तो किसको लेकर अलग हो जाता था, जल को, तो जल के लिए तो ये भाग अलग हो जाएगा टूटकर, अगर HOH अलग हो जाएगा तो भैया यहां लिख दीजिए H2O, H2O बचता कौन है CH3COOH, हाँ एसिड बन गया। क्या ये लास्ट वाला भाग आ पा रहा है, ये हाइड्रोजन आ रहा है वहां, ठीक, पता लगा हम लिखते चले जाएं एसिड के ऊपर एसिड बनाते रहें और लास्ट में पता लगा कि एसिड का हाइड्रोजन आयन तो था ही नहीं, किस बात का एसिड भैया, ये हाइड्रोजन चला गया तो सारे का सारा एसिड का नेचर खत्म हो गया, अगर मैं इसको ऐसे ढक लेता हूं तो भैया एसिड नहीं है एक कैटेगरी पे, एसिड तो तब माना जाएगा जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाएगा। अभी एक अभिक्रिया इसी जगह पर और लिखते हैं, एक यहां अभिक्रिया और इस बची जगह पर अभिक्रिया, देखो इस जगह पर थोड़ा पीछे से अभिक्रिया लिखेंगे CH3 CH2 सी और बेटा 3 Cl, अभिक्रिया होगी। आप चाहें तो NaOH की जगह पे QH को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति कोई भी टीचर या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे ये पूछ ले कि आपने अभिक्रिया में NaOH को इस्तेमाल किया है, क्या इसकी जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो, उसको तुरंत बताओ कि सर जी NaOH तो क्षार है और आप इस
क्षार को हटाकर कोई दूसरा क्षार भी यूज कर सकते हैं। कहेगा क्या दुर्बल भी क्षार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल क्षार की अभिक्रिया का जो प्रतिशतता होगी वो अच्छी नहीं होगी। दुर्बल क्षार काम भी तो अपने हिसाब से करेगा भाई। दुर्बल क्षार में क्या होगा, वो OH- आयनों को कम प्रोड्यूस करेगा, अभिक्रिया भी धीमी हो जाएगी और हमें ऐसा चाहिए नहीं। तो आप यूज किसी को कर सकते हैं, NaOH की जगह पर KOH को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी मैंने देखा था, एक बार प्रैक्टिकल हो रहा था मेरे स्कूल में, तो उसने बस इतना कर दिया था, एग्जामिनर ने कहा था NaOH को हटा देना है, इसको गलत कर देना है और KOH लिख लेना है, इससे कोई परेशानी तो नहीं है तुमको? तो भैया कोई परेशानी हमको नहीं है, आप NaOH नहीं डालना चाहते मत डालो, दूसरा क्षार डालो KOH, उसको यूज करो। हाँ अगर क्षार ही नहीं डालोगे फिर तो परेशानी है, कहते कि हम NaOH भी नहीं डालेंगे, KOH काम है खत्म क्षार का, भैया तो फिर तो परेशानी है, फिर एसिड आप नहीं बना सकते। तो बेटा बनकर तैयार होगा 3 NaCl। मैं क्या सोचता हूं, जो भी मेरे पास बचा है लिख लेते हैं उसको, CH3 CH2, फिर C और उस C के साथ 3 बार OH, और भी इसका छोटा करो तीर का निशान। ये तो इसके नीचे तो हम लिखेंगे अनस्टेबल, और इसको HOH के क्रम में तोड़ेंगे। अगर HOH के क्रम में तोड़ते हैं तो जल हो जाएगा अलग, CH3 CH2 COOH CH3 CH2 COOH। जानते हो बॉन्ड फिर हमने लिखने बंद कर दिए, जगह यार लग रही थी ज्यादा और हमारे पास अवेलेबल हो रही थी कम, तो हमने वो बॉन्ड्स खत्म कर दी उससे। अच्छा कौन सा एसिड है ये वाला, प्रोपेनोइक एसिड, या अगर आप साधारण नाम निरर्थक पद्धति का नाम पढ़ते हैं प्रोपियोनिक एसिड, और यह है एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड, सिरके में यही पाया जाता है। एक काम करोगे इसको नोट करो भैया फिर जरा, देखो जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब क्या, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ऐसे फॉर्मूले जिनमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो बार आ जाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दो बार आ जाता है, आप ऐसे फॉर्मूले को कहते हो जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक याद दिलवाते हैं तुम लोगों को, हम भी याद दिलवा देते हैं कभी कभी, CH2 COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, क्या इसको याद करो, क्या इसको कहते थे मैलोनिक एसिड, कहता है हम जैम डाई हैलाइड जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने वाले। गर्म करने में तो एक चीज मैंने देखी है, किसी भी कंपोनेंट को पदार्थ को आप गर्म दो ही परिस्थितियों पर पाने के लिए करते हो, या तो आप ऐसा सोचते हैं कि इस पदार्थ में जो नमी है जल है पानी है ये अलग हो जाए, या तो आप सोचते हो कि इस पदार्थ में अगर कोई गैसी या शुद्धि हो या कोई गैस हो वो अलग हो जाए, और तीसरी कंडीशन तो मुझे नहीं लगता कि आप गर्म करते हो। हाँ फिर इसके बाद पिघलाने के लिए धातु को और मिश्र धातु बनाने के लिए ये काम भी हो जाते हैं, लेकिन मेनली आप पदार्थ को तभी गर्म करते हो जब या तो नमी आपको दूर करनी होती है या कोई गैस। तो भैया इसको जैसे हीट किया ये वाला भाग तो टूट कर अलग हो गया, तो कौन सा भाग टूट कर अलग हो गया, CO2। क्या कहते हो मेरे पास बचना क्या चाहिए, अब मेरे पास बचना चाहिए CH3 नहीं हो जाना चाहिए, और ऊपर बचना चाहिए CH3 और ऊपर बचना चाहिए COOH। एक अभिक्रिया को यही लिखेंगे क्योंकि नीचे बची हुई जगह पर अब यह अभिक्रिया और लिखनी है। हमारे पास जैम डायहैलाइड और एक और है जिसको हम कहते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्या याद आ रहा कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है, ऑक्जैलिक एसिड। कहां पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। हल करते हैं इसको, देखो अभिक्रिया होगी, गर्म इसको भी किया तो ये भी गर्म होने पर तो दो ही काम कर सकता है, या तो जल को अलग करेगा या तो गैस को अलग करेगा, इसने भी गैस को अलग किया, कौन सी गैस अलग की है, CO2। सोचो अगर CO2 गैस को अलग कर रखा है बनता क्या है, HCOOH। और भी अच्छी तैयारी रखना चाहते हो इसको याद रखो,
यहां पर उत्प्रेरक रहा है ग्लिसरॉल, ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जानते हो, ग्लिसरीन का नाम सुना है आपने, उस वही वो उत्प्रेरक की तरह यूज होगा। अब क्या है कि जितने मुझे ऐसा लगता था आपको कि आपको एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने आने चाहिए थे इन इन विधियों से, हमने बनाए उन विधियों से। अभी क्या करेंगे, लास्ट में थोड़े से ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं जो एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग पर आधारित है। तो मैं यहां देखो लिखूंगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियां। तो इस बात को एरोमेटिक पर, अब बात करें एलिफेटिक पर तो बहुत सारे बना चुके। अच्छा, एलिफेटिक पर जो आपने बनाया, एरोमेटिक पर भी तकरीबन वैसा ही कार्य करते हैं। देखो बेटा, कुछ अभिक्रियाएं तो इनमें से बिल्कुल रट लो अच्छे ढंग से। देखो कौन कौन से अभिक्रिया, अगर आपके पास CH3 बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पर CH3 लिखा है, आप इसका ऑक्सीकरण करवा दो। ऑक्सीकरण होगा KMnO4, तीर्कषण बढ़ा लेते हैं, प्लस KOH के साथ। बेटा ऑक्सीकरण में होगा क्या, आप बहुत ज्यादा दिमाग को अपने थकाओ नहीं, वैसे मैं इसको बता भी देता हूं कैसे होगा अभिक्रिया, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग को थकाने का कोई अर्थ नहीं। ये प्रोड्यूस करेगा नवजात ऑक्सीजन। तो ये इससे जो नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है 3 मोल, उसमें से 2 मोल ने तो सॉरी 1 मोल और नवजात ऑक्सीजन ने तो 2H से अभिक्रिया की। तो जब 2H से एक ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, जानते हो क्या बनकर तैयार होगा, H2O। अच्छा, यहां बचा कितना H है, 1। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, C बचा है, H बचा है, कितने H निकल गए, 2। तो 2H की जगह भी तो खाली हो गई, तो यहां से बचे हुए 2O को वहां भेज दो, COOH। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब बाकी अभिक्रियाओं को कैसे लिखना है सुनो, अगर इस अभिक्रिया की जगह पर पदार्थों को कुछ ऐसा लिख दे, C2H5 लिख दे, तीर के निशान के ऊपर आप यही उत्प्रेरक यूज करोगे, ये आपके लिए थोड़ा सा सरलता उत्पन्न कर देगा। तो C2H5 जो होगा वो भी ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक एसिड का ही निर्माण करेगा। कह रहे सर जी ये भी, हां भैया ये भी निर्माण करेगा, सेम टाइप के ग्रुप है और सेम टाइप के फॉर्मूले को बनाएंगे। कहता है एक और अभिक्रिया को याद कर लीजिए, क्या उधर लिख लिया जाए क्या, चलो छोड़ लेते हैं, अभी बाद में उधर लिखेंगे। अगर यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, पहले तो इसको याद रखो, इसको कहते हैं स्टाइरीन, और इस पर भी सेम रिएक्शन को आपको दिखाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्षारीय विलयन यूज करोगे, और बेटा कुछ भी नहीं करना है, बस यही कर देना है क्या। COOH, तो इस प्रकार से तो बेटा आप अभिक्रियाएं बिल्कुल सरलता से लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड आपने कई बार बनाया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, यहां लिख लेते हैं सेकंड विधि, ये तो ऐसा कर लेते हैं, इसको लिखते हैं ये पहली विधि है, और पहली विधि में आपने इतने प्रकार के कंपाउंड से बेंजोइक एसिड को बनाकर तैयार किया, मैं लिख भी देता हूं बेंजोइक एसिड। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरी विधि सैलिसिलिक
एसिड। कुछ लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, कहता है सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड का जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग, टॉप पर OH और साइड पर COOH, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। और ध्यान रखो, अगर यहां पर CHO लिखा हो तो उसका नाम होता है सैलिसिलेल्डिहाइड। यहां मैं लिख भी दूंगा लास्ट में, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं क्या बोलता हूं, इस जगह CHO लिखा हो तो उसको कहते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड, लिख देंगे क्योंकि वो भी काफी अधिक पूछा जाता है। राइमर टीमेन अभिक्रिया में इसका यूज आया था। अच्छा, इस पर करेंगे क्या, कहेंगे सर जी हम क्या करें भैया, ZN के अभिक्रिया करवा दो, जिंक डस्ट की रिएक्शन। अब कहोगे सर जी जिंक डस्ट क्या होता है? जिंक का पाउडर, और जिंक का पाउडर जो है लिख दें क्या, डस्ट। हाँ, डस्ट का मतलब धूल, धूल का मतलब पाउडर, बुरादा, और क्या कहोगे, हो गया बस। अच्छा, जिंक के अंदर खराबी क्या है? जिंक है एक ठीक ठाक अच्छा रिएक्टिव मेटल, मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन ठीक ठाक अच्छा रिएक्टिव मेटल है। और ये रिएक्टिव मेटल होने के कारण ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत जुड़ जाता है, या दूसरे शब्दों में ये ऑक्सीजन को छीन लेता है। तो भैया ये तो ऑक्सीजन छीनेगा, अगर जिंक ऑक्सीजन को छीन करके लेके जाएगा, जानते हो क्या बनेगा, ZnO। अच्छा क्या कहते हो, अगर ओ बन गया, हट गया, एच को लिखो और चाहे एच को ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो अगर आपका मन है तो H लिख दो, और हमारा मन नहीं है तो हम H नहीं लिखेंगे। बन गया बेंजोइक एसिड, तो ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी और वो वाला भी बेंजोइक एसिड है। और मैं वो कह रहा था, देखो यहां, अरे ये देखो, समझो क्या है, ये वो है, इसका नाम है सैलिसिलेल्डिहाइड। नाम याद रखना, सैलिसिलेल्डिहाइड। अरे यार लिखवा लो भैया, अरे नहीं हम लिखेंगे फिर, एक यार ये बताओ इसमें YDE होता था क्या? नहीं होता था, देख लेना अंग्रेजी वाले टीचर से पूछ लेना, होता था बात है, देख लेना एक बार, फिर भी कंफर्म कर लेना भैया। हम लोगों से क्या है कि इसकी इच्छा मत कर देना, सही लिखा हो ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा थोड़ा सा और बचा, उसको भी पढ़ा देते हैं, नोट हो गया ना। फिलहाल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कहता है आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर तैयार करो। परिभाषा, तरीका, सारे कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का नंबर आ गया है, तो भैया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बनाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज रहेगा, बेंजीन की जगह पर आर की जगह पर C6H5, Mg और X की जगह पर Cl को यूज कर सकते हो। अभिक्रिया होगी CO2 से, CO2 यहां सेट हो जाएगा आकर C6H5COO, ये COO वहां बीच में आ गया, MgCl। बेटा कल की अभिक्रिया, कल वाला अगर वीडियो उठा करके देखोगे, कल ये अभिक्रिया हुई थी, बशर्ते C6H5 नहीं था, यहां CH3 था, अभिक्रिया सेम हुई थी। फिर इसका याद अगर करोगे तो हमने इसका करवाया था जल अपघटन, और जल अपघटन जब हुआ था तो पदार्थ बीच से टूट गया था, एक तरफ मिला था H और दूसरी ओर मिला था OH, और यह तक मैंने बताया था कि OH उधर ही क्यों जाएगा, धातु है पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो निगेटिव चार्ज OH को अपनी ओर खींच लेगा। तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा Mg,
ओ एच सी एल, और दूसरा पदार्थ आपके पास सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एच, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसको तैयार रखो। अच्छा इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो इस बात को भी तैयार रखो। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। कहता है ट्राई हैलाइड से, थोड़ा सा मैं भूल गया, चलो ट्राई हैलाइड का मतलब मुझे ऐसा लिखा देना चाहिए, जैम ट्राई हैलाइड से। तो देखो अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, सबसे पहले, और अगर अभिक्रिया को बड़े से पेज में करना चाहते हो और अपने टीचर को बहुत अधिक खुश करना चाहते हो, सी, और इस सी पर लगे हुए तीन सी एल, जैसे ही तीन सी एल देखे बच्चा समझ गया उसको करना क्या है। अभिक्रिया करवानी है NaOH से, NaOH, NaOH, और लास्ट में भी लिख लेते हैं NaOH। जानते हो अभिक्रिया का तरीका क्या है, कि तीनों Cl जो है वो तीनों Na से अभिक्रिया कर लेंगे और बनाकर तैयार करेंगे 3NaCl। मैं क्या सोचता हूं, वही अनस्टेबल वाला आएगा। वैसे तो आप करवा लो हमसे, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये तो आपको खुद आ जाना चाहिए आगे। बाकी क्या है कि अब खाना पूर्ति करते हुए हम इसको कंप्लीट जरूर करेंगे। सी, और इस सी पर लग जाएंगे तीन ओ एच, क्योंकि एक ओ एच ऊपर वाले सीएल की जगह, दूसरा ओ एच दूसरे सीएल, और तीसरा ओ एच तीसरे सीएल की जगह पर, जिसमें से ये कंपाउंड तो अनस्टेबल होता है, ऐसा आप पहले से ही जानते रहे हो। अगर अनस्टेबल कंपाउंड एच टू ओ अलग हो जाएगा तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास तो बचेगा बेंजीन रिंग सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच बेंजोइक एसिड है। लास्ट और आखिरी नंबर पे एक और बात पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को लास्ट टाइप से आप कैसे बना सकते हो, तो उस पर भी बात करेंगे। साइनाइड यौगिकों से या साइनाइड यौगिक से, क्योंकि मुझे एक ही बेंजोइक एसिड ही पढ़ना है, इसलिए मैं साइनाइड यौगिक से लिख देता हूं। अगर आपने यौगिकों से भी लिख रखा है ऐसा कुछ भी गलत नहीं। मैंने यौगिक क्यों कर दिया, क्योंकि मैं बहुत सारी अभिक्रिया इस पर करने वाला नहीं, एक अभिक्रिया जो डिमांड में रहती वही अभिक्रिया करेंगे। साइनाइड की बात आएगी, देखो सी सिक्स एच फाइव सी और एन, तो सी एन को कुछ ऐसे लिखो ट्रिपल बॉन्ड एन, और बेटा इसके अभिक्रिया करवा दो 2H2O से, अम्ल या क्षार की प्रेजेंस में, अम्ल रखो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं क्षार भी अभिक्रिया में यूज कर सकता हूं। क्या कहते हो, बॉन्ड तो टूटेगा, और अगर बॉन्ड टूटेगा थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है, चार एच हैं, तीन तो मिल जाएंगे एन को, तो एन को अगर तीन एच मिल गया तो ये तो अलग हो गया, ये तो बना के बैठ गया NH। अच्छा बताओ अगर तूने 3H यहां N को दे दिया, यहां बचा कौन, 2O और 1H, तो 2O और 1H, तो बचा क्या इधर CA6H5COH, C6H5COH, और बेटा ये भी तो बेंजोइक एसिड ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर बनाने की विधियों पर चलते हैं, आप इतने प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। हालांकि बनाने की क्या और भी विधियां होंगी, और भी बेटा बहुत सारी विधियां होंगी, लेकिन क्या है हम लोग भी उन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं जिन अभिक्रियाओं से अपना कुछ फायदा होने वाला होता है, या पूरी दुनिया की सारी अभिक्रियाएं पढ़ के बैठ जाएं जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ना भी हो तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं उनसे। उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो डायरेक्टली अपने आप में अच्छी रहेंगी और हमारे संपर्क में आएंगी, बोर्ड परीक्षाओं में सब पूछा जा सकता है, इसको नोट कर सकते हैं फिर आप।